सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारे मिस्ट्रीज हैं एंड काफी सारे मिस्टीरियस कैरेक्टर हैं एंड उनमें से एक मिस्ट्री है ऐश की फैमिली, क्योंकि अभी तक हमें ऑफिशियल तरीके से या फिर पोकेमॉन एनिमे में ऐश के फैमिली के बारे में काफी कम ही पता चला है। और ऐश के फैमिली के बारे में अभी तक हमें सिर्फ इतना ही पता है कि उसके फैमिली में तीन मेंबर्स है, जो कि ऐश, उसकी मॉम और उसके डैड। और यहाँ तक कि आज तक हमें पोकेमॉन एनिमे के अंदर ऐश के फैमिली के गिने चुने पोकेमॉन ही दिखाए गए हैं। तो इसीलिए यार आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐश के हर एक फैमिली मेंबर के पोकेमॉन टीम को देखने वाले हैं, यानी कि अगर वो पोकेमॉन ट्रेनर होते तो उनकी प्रॉपर 6 पोकेमॉन की टीम क्या होती। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऐश के मॉम यानी कि डेलिया कैचम से। तो पोकेमॉन एनिमे के अंदर हमें ऐश के बाद ऐश के मॉम के बारे में सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है, बट उसके बाद भी उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन रिवील कराया गया है और वो पोकेमॉन है मिस्टर माइम। एंड ये मिस्टर माइम ऐश के मॉम को मिला था इट्स मिस्टर माइम टाइम नाम के एपिसोड में, और ये हमेशा ऐश के घर पे ही रहता है और काम में मदद करता है, बट कभी कभी ऐश इसको बैटल्स में यूज कर देता है, जैसे कि आप लोगों ने पोकेमॉन जर्नीस में देखा ही होगा, जहां पे ऐश ने मिस्टर माइम को हॉज के हरियामा के सामने भेजा था। एंड इवन यार मिस्टर मैम ने हरियामा को हरा भी दिया था, और ऐश की मॉम ने भी मिस्टर मैम को काफी बार बैटल्स में यूज किया है। तो हाँ यार, इससे पता चलता है कि मिस्टर मैम स्ट्रॉन्ग भी है। अब जो ऐश के मॉम के पोकेमॉन टीम में सेकंड पोकेमॉन होगा वो होगा मेरे हिसाब से क्रोबैट। तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको ये तो पता होगा कि ऐश की मॉम पहले टीम रॉकेट की मेंबर थी, और अगर आपको नहीं पता तो ये बात रिवील करी गई थी पोकेमॉन लाइव नाम के शो पे, एंड ये पोकेमॉन एनिमे के ऊपर ही बेस्ड था। तो अगर ऐश की मॉम कभी टीम रॉकेट की मेंबर रह चुकी है तो डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई ऐसा पोकेमॉन होगा जो कि टीम रॉकेट यूज करते हैं। और टीम रॉकेट सबसे ज्यादा जेन 1 के गेम्स के अंदर जूबैट को यूज करते थे, मतलब यार ऑलमोस्ट हर एक टीम रॉकेट के मेंबर के पास एक ना एक जूबैट तो होता ही था। तो हाँ यार, हो सकता है कि जब ऐश के मॉम ने टीम रॉकेट ज्वाइन की हो तो उसने एक जूबैट को पकड़ लिया हो एंड अभी तक वो फुली इवॉल्व हो गया हो क्रो बैट में। अब जो ऐश के मॉम का थर्ड पोकेमॉन हो सकता है वो मेरे हिसाब से बटरफ्री हो सकता है। अब इसके पीछे कोई खास थ्योरी नहीं है, पैलेट टाउन के आसपास जो रूट्स होते या फिर जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पे कैटरपी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसी वजह से हो सकता है कि यार डेलिया कैचम यानी कि ऐश के मॉम ने कैटरपी को पकड़ा हो एंड उसको फुली इवॉल्व किया हो बटरफ्री में। अब फोर्थ पोकेमॉन की बात करें तो अगर ऐश की मॉम कोई ट्रेनर होती है तो डेफिनेटली वो एक ना एक स्टार्टर को तो चूज करती एंड वो कैंटो से ही बिलोंग करती है। तो उनका स्टार्टर या तो चार्मेंडर होता, या तो बल्बसौर होता और या तो स्कॉटल होता, और इनमें से मुझे बल्बसौर के सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि यार बल्बसौर अपने वाइन व्हिप का यूज करके घर के काम में काफी ज्यादा मदद कर सकता है मिस्टर माइम के तरह। और यार ऐश के मॉम के यार गार्डनिंग करना भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो हो सकता है इसीलिए उन्होंने बल्बसौर को चुना हो, और बल्बसौर ऐश के मॉम पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा सूट भी करता है। और बात करें पांचवे पोकेमॉन की तो वो हो सकता है मेरे हिसाब से ईवी। अब देखो, आपके पोकेमॉन एनिमे के अंदर यार काफी सारे पॉकी गर्ल्स के पास ईवी देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरह से वो उनकी फेवरेट पोकेमॉन है, और ईवी भी कैंटो से बिलोंग करती है। तो हो सकता है कि यार ऐश की मॉम ने ईवी को पकड़ा हो, और कैंटो में ईवी के तीन ही एवोल्यूशन थे जो कि थे फ्लैरियन, जोल्टियन और वेपोरियन। तो हो सकता है कि यार ऐश की मॉम ने अपने ईवी को फ्लैरियन या फिर वेपोरियन में इवॉल्व भी किया हो। अब ऐश के मॉम का जो फाइनल एंड लास्ट पोकेमॉन हो सकता है वो हो सकता है मेरे हिसाब से लिटन। अब अगर आप लोगों ने अलोला रीजन देखा है तो आपको पता होगा कि यार ऐश के मॉम को ऐश की लिटन बहुत ज्यादा पसंद थी, और यहाँ तक कि ऐश की मॉम ने लिटन को एक निकनेम भी दिया था जो कि था लिटी, और लिटन भी ऐश के मॉम के ऑर्डर्स को मानता था, और ऐश का लिटन तो अब इवॉल्व भी हो चुका है। तो इसीलिए यार हो सकता है कि ऐश की मॉम फ्यूचर में एक लिटन को पकड़ ले, एंड हाँ यार वो उसको इवॉल्व नहीं करेगी क्योंकि लिटन के फॉर्म में वो ज्यादा क्यूट होता है। तो हाँ यार, वैसे तो मैंने कैंटो से बाहर के पोकेमॉन को लेना अवॉइड किया था, बट फिर भी ऐश के मॉम को लिटन बहुत ज्यादा पसंद था। अब जो नेक्स्ट फैमिली मेंबर है वो है ऐश। अब ऐश के पास यार बहुत सारे पोकेमॉन है, तो यार इसके पोकेमॉन को हम पोकेमॉन एनिमे से पिक कर लेंगे एंड बेस्ट 6 की टीम बनाएंगे। तो मेरे हिसाब से ऐश की जो बेस्ट पॉसिबल टीम होगी वो होगी ग्रीनिंजा, जो कि बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है, जो कि मेगा एवोल्यूशन से भी ज्यादा पावरफुल है। सेकंड पोकेमॉन होगा लुकारियो, जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है। थर्ड पोकेमॉन होगा पिकाचू, जो कि जी मूव का यूज कर सकता है। फोर्थ पोकेमॉन होगा इन्फर्नेप, जो कि ब्लेज एबिलिटी में जा सकता है, और ब्लेज एबिलिटी में अभी तक वो अनडिफीटेड है। और ऐश का फिफ्थ पोकेमॉन डेफिनेटली चार्जार्ड होगा, इसको ऐश का बेस्ट पोकेमॉन भी माना जाता है। और लास्ट एंड फाइनल पोकेमॉन की तरह या तो आप सेप्टाइल को ले सकते हो या तो आप ड्रैगनाइट को ले सकते हो, दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब फाइनली ऐश के फैमिली के लास्ट मेंबर के बारे में बात करते हैं, जो कि है ऐश के डैड। और हाँ यार, ऐश के फादर भी एक पोकेमॉन ट्रेनर बनना चाहते थे, जिस वजह से उनकी कोई ना कोई पोकेमॉन टीम तो होगी। पोकेमॉन एनिमे में ऐश के डैड को बहुत ज्यादा अवॉइड किया जाता है या फिर बहुत ज्यादा हिडन रखा जाता है, जिस वजह से इनके बारे में यार ऑलमोस्ट ना के बराबर इन्फॉर्मेशन है। बट हाँ यार, इनका एक पोकेमॉन कन्फर्म्ड है, और वो पोकेमॉन है रैपिड ऐश। तो ये हमें देखने को मिला था पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल के एपिसोड 138 में, जहाँ पे ऐश के चाइल्डहुड का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है एंड वहाँ पे ऐश के फादर
भी होते हैं। अब उनका फेस तो काफी ब्लरी दिखाया गया था, बट उनके साथ एक पॉकीमोन था जो कि था रैपिड एश। और इसी के साथ ही ऑफिशियल यानी कि पॉकीमोन एनिमे के अंदर कंफर्म्ड हो जाता है कि एश के फादर का सबसे पहला पॉकीमोन रैपिड एश ही था। तो मेरे हिसाब से एश के डैड का जो सेकंड पॉकीमोन होगा वो हो सकता है पिजियॉट। अब जैसे कि कैटरपी बहुत ज्यादा कॉमन होता है रूट 1 एंड विरिडियन फॉरेस्ट में, उसी तरह से पिजी भी बहुत ज्यादा कॉमन होता है और ज्यादातर कैंटो रीजन के ट्रेनर के पास ये पॉकीमोन होता ही होता है, यानी कि एक तरह से कंफर्म्ड है उनके टीम में, फॉर एग्जांपल एश ब्लू या फिर रेड। और इसको पकड़ना जितना इजी होता है ये इवॉल्व होने के बाद उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है। तो हाँ यार, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि एश के फादर ने जब अपनी पॉकीमोन ट्रेनिंग स्टार्ट की हो तो उन्होंने भी एक पिजी को पकड़ा हो एंड वो अभी तक पिजियॉट में इवॉल्व हो गया हो। अब जो एश के डैड का थर्ड पॉकीमोन हो सकता है वो पिकाचू हो सकता है। अब इसके पीछे का रीजन भी यार बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल पिजियॉट की तरह की ये भी यार विरिडियन फॉरेस्ट में देखने को मिल जाता है। हाँ, ये पिजी के मुकाबले थोड़ा और ज्यादा रेयर होता है, बट फिर भी यार एश के डैड ने इसको ढूंढ के पकड़ा होगा क्योंकि यार ये स्टार्टिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकीमोन है। अब एश के डैड के फोर्थ पॉकीमोन की बात करें तो वो हो सकता है मेरे हिसाब से डॉड्रियो। अब अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा तो यार पैलेटॉन में एक डॉड्रियो रहता है और ये सबको उठाने का काम करता है, तो हो सकता है कि ये डॉड्रियो एश के फादर का हो। और हम ये सिर्फ इसी वजह से नहीं बोल रहा, इसके पीछे भी मेरे पास एक थ्योरी है। तो द फ्लेम पॉकीमोन एंथोन नाम के एपिसोड में आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक रेस होती है जहाँ पे काफी सारे पॉकीमोन ने पार्टिसिपेट किया था और एश ने वहाँ पे एक रैपिड एश के साथ पार्टिसिपेट किया था एंड एश के फादर के पास भी एक रैपिड एश है। तो हो सकता है कि यार एश के फादर को भी रेस करने में इंटरेस्ट हो एंड इसी वजह से उन्होंने रैपिड एश को पकड़ा हो। और रैपिड एश की तरह एक और पॉकीमोन है जो कि बहुत ज्यादा स्पीड में भाग सकता है एंड वह है डॉड्रियो। एंड इवन यार उस एपिसोड में रैपिड एश को डॉड्रियो ने हरा ही दिया था, मतलब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए हो सकता है कि रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए एश के फादर ने रैपिड एश के साथ ही साथ डॉड्रियो को भी पकड़ा हो और वो उसको बैकअप के तरह यूज करते हो, यानी कि कभी रैपिड एश इंजर्ड हो गया तो वो डॉड्रियो का यूज कर लेते हो। और क्या पता वो पैलेट टाउन वाले डॉड्रियो एश के फादर का ही डॉड्रियो हो। अब जो एश के डैड का पांचवा पॉकीमोन होगा वो अगेन किसी स्टार्टर में से एक होगा, यानी कि बल्बसॉर, चार्मेंडर और स्कॉटल में से एक होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो पॉकीमोन ट्रेनर बनने निकले थे तो उनको कोई ना कोई स्टार्टर तो मिला ही होगा और मेरे हिसाब से उनको मिला होगा बल्बसॉर। और इसके लिए मेरे पास दो थ्योरी है। सबसे पहली ये है कि हो सकता है कि एश के तरह एश के डैड को भी लेट जागने की आदत हो, लेट उठने के बाद जब वो लैब में गए हो तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉकीमोन बचा हो जो कि हो बल्बसॉर, क्योंकि यार हमको पता है कि सबसे पहले सब लोग चार्मेंडर या फिर स्कॉटल को चूज करते हैं एंड बल्बसॉर वहाँ पे बच जाता है, तो इसीलिए उनके पास और कोई चॉइस नहीं बची होगी एंड उन्होंने बल्बसॉर को ही पिक किया होगा। और इस थ्योरी को सपोर्ट देने के लिए मेरे पास एक और थ्योरी है। तो जैसा कि आपको पता होगा पॉकीमोन के सेकंड एपिसोड यानी कि पॉकीमोन एमरजेंसी में एश की मॉम बताते हैं कि यार एश के फादर को विरिडियन फॉरेस्ट से निकलने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था। और अगर आप लोगों ने एनिमे देखा है तो पॉकीमोन एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में जब एश विरिडियन फॉरेस्ट में होता है तो वहाँ पे स्पियरो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और इवन यार एश के पास पिकाचू था जो कि उनके ऊपर सुपर इफेक्टिव था, तब जाके वो निकल पाया था। तो इसीलिए यार हो सकता है कि यार एश के डैड के पास बल्बसॉर हो एंड इसी वजह से उनको निकलने में इतना ज्यादा टाइम लगा हो, क्योंकि यार बल्बसॉर फ्लाइंग टाइप के खिलाफ वीक है एंड इसीलिए वो वहाँ पे फंस गए हो और बाकी के बच्चे स्टार्टर या फ्लाइंग टाइप को इजिली हरा सकते हैं, तो हाँ इसीलिए बल्बसॉर के सबसे ज्यादा चांसेस है। और अब बात करें एश के डैड के लास्ट एंड फाइनल पॉकीमोन की तो वो हो सकता है मेरे हिसाब से लुकारियो। अब पॉकीमोन वर्ल्ड में काफी कम ही ऐसे लोग है जिनके पास ऑरा एबिलिटी या फिर ऑरा पावर है, और अगर आपको नहीं पता तो उनमें से एक हमारा एश भी है। और ऐसे भी काफी सारी थ्योरी है कि जो एश के पूर्वज है वो सर एरोन है एंड सर एरोन के पास भी ऑरा पावर्स थी, और यहाँ तक कि यार एश और सर एरोन में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी थी जिस वजह से लुकारियो भी पहचान नहीं पाया था कि ये एश है या फिर सर एरोन है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो एश की पूरी फैमिली है वो एक ऑरा गार्डन फैमिली है एंड इसी वजह से एश के फादर के पास भी ऑरा पावर हो सकती है। तो इसके 85% चांसेस है कि जो एश की ये पावर है वो उसको उसके डैड से मिली हो। और जैसे कि एश ने भी एक लुकारियो पकड़ा है, वैसे एश के फादर ने भी एक लुकारियो को पकड़ा हो, और भले यार लुकारियो एक सिनो का पॉकीमोन है बट फिर भी यार इसके बहुत ज्यादा ही चांसेस है कि एश के फादर ने एक लुकारियो पकड़ा हो। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। तो मिलेंगे ऐसे ही ऑसम कंटेंट के साथ, अंटिल देन पीस आउट।